पूछेगा वो किसके रेफरेंस है, फिर क्या बोलोगे? नहीं नहीं रेफरेंस बताएंगे उन्हें तो बात है। खाना खाना खोल चाहे तो मैं बर्तन नहीं दूंगा। नहीं अभी आप लोगों के यहाँ पे आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं। क्योंकि वो श्योर करो यहाँ पे खोल के ना देख ले, अगर उसने खोल के देखे तो बस फिर हमारा कुछ ना कुछ खोल देगा वो। मुझे बोले हाय, मैंने भी कहा हाय, उसे समझा शायद भी लड़के की तरफ से, लेकिन मैं लड़के की तरफ से नहीं यार, मतलब मैं ऊपर से आया हूँ तो यार हेलो जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अच्छा जी, तो आज आप देख रहे होंगे यार, मतलब रात के टाइम मैं व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ एक शादी पे, और शादी का इन्हें ज़रा मेरे पीछे बुरा हो रहा है यार, एक मिनट। अब सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा सीन कुछ ऐसा यार कि शादी पे जा रहा हूँ, और सबसे मज़े की बात ये कि शादी भी किसी अननोन शादी पे जा रहा हूँ, मतलब एक फ्रेंड है उसके फ्रेंड की आगे शादी है, मतलब मुझे इनवाइट नहीं किया गया, विदाउट इनविटेशन तुम्हारा भाई शादी पे जा रहा है, मतलब आज जूते पड़ेंगे, सही वाले जूते पड़ेंगे। किसने पूछ लिया कि तुम लड़के के वाले की साइड से हो कि लड़की वाले की साइड से, तो मैं क्या बोलूँगा, हाय देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग की मतलब मस्ती मस्ती एंजॉय करनी तो मेरे साथ बने रहिए। अभी चलते हैं, दोस्त बाहर आ गए, उसको पिक शेक करते हैं, फिर चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ अभी होने वाला है। सो विल बी राइट बैक। आज पैसे में से चल रहे हैं, देखें ना कितने पैसे, कितने डाल दोगे? डालेंगे 100 रुपये मेरे भी डाल दो, चल करने में डाल रहे। हाँ ये सही यार, इनके लिए बेस्ट है बेटा, इतना मारेंगे ना वो। बस सीन ये करना है ना कि हमने खाना है, ये साथ ले जाना वापस, ये वापस, ये भी वापस ले आएंगे, ये वापस। चलो आओ यार चले। तो हाँ जी, वेलकम बैक जरा जी, अब हम आ गए हैं, हमारे पास कार्ड है ना, इनविटेशन कार्ड। तो भाई साहब सोच रहे हैं कि क्या कोई सीन है भाई, क्या सीन है? नहीं नहीं, ये इनविटेशन है, हम आपको लेके जाएंगे अंदर। पक्की बात है, गाली देनी पड़ेगी, फुल टाइम ना जरा गाली चले तो नहीं पड़ेंगे? नहीं नहीं गाली नहीं भाई, वो गेट तो पूछेगा वो किसके रेफरेंस है, फिर क्या बोलोगे? नहीं नहीं रेफरेंस बताएंगे उन्हें तो बात है। खाना खाना खोल चाहे तो मैं बर्तन नहीं दूंगा। नहीं मैं बर्तन नहीं दूंगा, बर्तन नहीं तो दे, लेकिन ये याद रखना भाई खाना फुल टाइट करके खाना। यार मैं कोट बड़ा पहन के इसके अंदर भी डाल दूं, शापर शुपर मिल जाएंगे, कोशिश करेंगे। हां शापर शापर यार, फैमिली को भी तो खिलाने हैं ना, हां इनको भी और घर भी लेके जाना है ना, लाजमी बात है। घर से पहले कहा होगा कि खाना पहले साथ लेके आना है, फिर क्या करेंगे, फिर मूड बनाएंगे हम, बाकी साथ वालों को देख रहे हैं वो आए, फिर उनके साथ ही अंदर चलते हैं। गेट पे रोके ना, एक बार फिर बता रहा हूँ खाना टैक होगा। ओ उसकी फिक्र ही ना करो यार, आप मैं कहता हूँ आप बस मुझे खाते हुए देखना, थोड़ा बहुत इनका भी ध्यान करना है। आज इनको भी चलो इनको भी खिला देंगे क्या, क्योंकि ये लाइक का बटन दबाएंगे ना। हाँ ये भी है, चले यार हम आपको खाना खिलाएंगे, आप हमें लाइक फॉलो कीजिएगा। तो ये मैरिज हॉल भी दिखाते सर इनको, हाँ इनको दिखा, चेक करें यार ऐसा होता है मैरिज हॉल क्या बता आपकी साइड, तो शादी हो रही है हमारी तो नहीं हो रही, हमारी नहीं हो रही, बस ये दुख है, अफसोस अफसोस है यार। लेकिन कोई दिन बाबा हो जाएगी, एक दिन आएगा घर वाले मान जाएंगे, घर वाले मान जाएंगे तो शादी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। चलो और जब ये देखने वाले भी मानेंगे ना तब करेंगे, ये कोई दुआ शुआ करेंगे। चलो क्या करने निकले फिर? हां निकल। हां यार आपको बताते हैं, फिर अंदर जाके अगर हम अंदर जा सके तो। हाँ जी, वेलकम बैक आपका हो गया एक बार फिर। अभी आप लोगों के यहाँ पे आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं, विदाउट इनविटेशन शादी पे आना फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये बस इसकी वजह से आ गया, अगर मैं पकड़ा जाता बड़ी गाली, सही बात है। एक तो भाई विदाउट इनविटेशन शादी पे आना, इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। दुआ करो कि लड़कों में से कोई, लड़के वालों में से लड़की वालों में से कोई पहचान ना लेंगे भाई आप कौन हो कहाँ से आए, अगर बोलते ना कहाँ से, तो मैं क्या बोलूँगा यार, मैं गली में घूम रहा था, वैसे बोला कपड़े पहनो शादी पे जा रहे, तो मैं आ गया। मतलब यार ऐसा भी कोई चले, कोई नहीं यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, इंजॉय करना चाहिए बंदे को, वही बात है, अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो ज़्यादा इंजॉय हो जाएगा। तो आपने दुआ करनी है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, बस वैसे मैं सबसे एक बात बताऊँ, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। तुम्हारे भाई की पर्सनैलिटी है ना यार, मतलब हमें पकड़ेगा है किसी ने, मत पकड़। एक मैं आप बात मिलता हूँ, लड़के वाले आ रहे हैं, खत्म। तो ये है जनाब हमारे पास, हमने
गया है या पी रहे हैं तो उसके बाद आएगा खाना। असल हमने वहाँ पे जंग लड़ी है, बस आने में ज़रा यार ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग कर नहीं सकता, सब ने पूछ लिया फ़ोन तो फिर तो इसलिए आपसे बात करते हैं। हाँ जी तो वेलकम बैक। अरे जी मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, पेट भर गया, क्या चक्कर है? मतलब मैं इतना नहीं खाता हूँ खाना यार, वैसे घर में भी हूँ तो लाइट से खाता बस, ये तो 5-6 रोटियाँ खाता हूँ बस, ये लाइट से खाना खाता हूँ बस, और कुछ भी नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर आके तो मुझसे 2 नान भी नहीं खाए जा रहे यार, छोटा बच्चा मैंने देख रहा क्या बोल। छोटे मज़ा आया आपको? मज़ा आया? अच्छा जी तो छोटे को मज़ा आया, छोटा कह रहा जी मुझे मज़ा आया। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ डाइनिंग के सूट यार, से क्या सूट है डाइनिंग करें यार, दवाई फेर के रखी है। ये हमारे पास ये आ गई चाय, ये आ गए सब जो रगड़ा हुआ हमने सब कुछ, मतलब ये हमने सारा किया है पैदा कर रखा है। बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह कोई पहचान ना ले, अगर किसी ने पहचान लिया तो वो फिर बड़े छितर पड़ेंगे। यकीन माने बगैर इन्विटेशन के शादी में आना, ऊपर से खाना खाना, बहुत मार पड़ती है बहुत। या अल्लाह कोई देख ना ले, बस जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? छोटा बच्चा भी देख रहा है, जल्दी से निकलते हैं। सो फाइनली स्टेडियम ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा रश मश ख़त्म हो गया, लोग निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं यहाँ पे यही चेक कर रहा हूँ कि मतलब किसने पेशावर में तो कुछ नहीं डाला, बस यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। एक बंदे ने मुझे सलाम किया, वो समझो कि शायद लड़के की तरफ से, उसको क्या पता ना मैं लड़के की तरफ से ना मैं लड़की की तरफ से, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बस वैसे ही आ गया हूँ घर में, मैं गली में घूम रहा था, उसने कहा कपड़े पहनो तो चले शादी पे, मैं भी कपड़े पहन के आ गया बस यार। मतलब कैसे कैसी बेवकूफ़ी मैंने की है ना, हाँ विदाउट इन्विटेशन शादी पे आना, वाओ कितना रिस्क होता है यार। मतलब आपको दिखाता हूँ स्टेडियम पूरा खाली हो चुका है, चेक करें। स्टेडियम तो हो गया खाली, अब निकलते हैं यहाँ से। कोई वो देने गया ज़रा पैसे मैसे जो उसने 40 रुपये इकट्ठे किए थे, 20 रुपये मेरे 20 रुपये उसके, 40 रुपये हमने उनको देनी है, क्या कहते हैं सलामी, 40 रुपये हमने देनी है सलामी। बड़ी बड़ी जद्दोजहद करके बड़ा मैं इस पर सोचा कि कितने रुपये पैसे दें, तो फिर जाके बात तय हुई है 40 रुपये। ये कह रहा था 30, मैं कहता 40, ये कहता 30, मैं कहता 40, उसे कहना तेरा ना मेरा 45 रुपये, ठीक है? मैं कहता ठीक है 45 रुपये दे दे, 45 रुपये से दे दिए हैं, देखते हैं कि वो शोर करो यहाँ पे खोल के ना देख ले, अगर उसने खोल के देख लिया तो बस फिर हमारा कुछ ना कुछ देगा वो। तो यार अब निकलते हैं यार बोला करके, वो आज से पहले वो सामने लड़का खड़ा है, उसने मुझे बोला हाय, मैंने भी कहा हाय, उसे समझा शायद कोई लड़के की तरफ से, लेकिन मैं लड़के की तरफ से नहीं यार, मतलब मैं ऊपर से आया हूँ। तो यार निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? फिर आपसे गपशप लगाते हैं, पहले पहचान लें यहाँ पे, मैं निकलते हैं। हाँ जी तो वेलकम बैक, हम निकल आए बाहर, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, इससे पहले कि हमें कोई पहचान ले। अगर किसी ने पहचान लिया तो भैया बड़ी गंदी वाली वाट लग जानी, और वाट लग गई तो सीन सारा ख़राब हो जाएगा। वो भी नीचे मिल रहा है, मतलब वो दे रहा है सलामी 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 दे ले, तो फिर यहाँ से हमें जाना है। कहाँ जाना था हमें? 1-2 जॉगर्स लेने थे और वो जाके बताएँगे आपसे। सो विल बी राइट बैक, एंजॉय कमाल। 1 eternity later. हाँ जी तो वेलकम बैक आपका यार, विद अनदर व्लॉग, तो नहीं वही वाला व्लॉग, गुड मॉर्निंग आपका। तो यार अब आपने देखा है रात को ज़रा शादी मादी खाई है, चोरी की शादी खाने के बाद अब जा रहे हैं हलवा पूड़ी लेने, वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि हलवा पूड़ी कैसी होती है, कहाँ से मिलती है, कैसा कोई इसकी शक्ल मकल होती है, शायद आपने कभी ना खाई हो, हमने भी आज पहली दफ़ा खानी है, तो ज़रा चेक करते हैं कैसी हलवा पूड़ी होती है। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं, क्योंकि आज मैं उठा लेट हूँ, हो रहे हैं 11:10, दुआ करें कि 11:10 हो रहे हैं हलवा पूड़ी हमें मिल जाए। सो निकलते हैं आज। हाँ जी तो वेलकम बैक, अच्छी अब ये है कि पूरी का सीन है, पूरी शूटिंग यहाँ से गैस करवाते हैं, तो पूरी लेने के बाद फिर क्या कोई सीन करेंगे यार, बताते हैं आपको। कैमरे अंदर परेशान हो रहे हैं, मोबाइल पकड़ा रहा है, क्या कर रहा है, लेते हैं आज थोड़ी शूटिंग लेने के बाद सीन चीन लगाते हैं। अभी तो कह रहे हमने पैसे देने हैं, पैसे दे के आपसे मिलते हैं। अच्छा जी तो यार अब ये कि हमने पैसे वैसे दे दिए, ऑर्डर ऑर्डर अपना लिखवा दिया। अब ये कि आपको पता है पिंडी है, इधर रश बड़ा होता है, तो मतलब पिंडी के अंदर पिंडी पिंडी है, तो यहाँ से देने के बाद अब चलेंगे घर शर, आपको चेक करवाते हैं। ये हमारे पास है हलवा पूड़ी यार, ये गई अंदर, मतलब ये तकरीबन 5-6 मिनट में, 5 ही सिर्फ 2 सेकंड मेरा ख्याल है ना, 2 सेकंड में पूरी पूरी हमारे पास तैयार हो जाती है। पूरी लेने के बाद चलेंगे घर, घर जाने के बाद क्या करना है तो खाना है, तो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखो आज हमने जाना है बड़ी स्पेशल जगह, उसका व्लॉग बनाएंगे एक और, तो आपसे मिलते थोड़ी देर तक। हाँ जी तो ये है, क्या नाम था तुम्हारा?
अच्छा यार अभी हम रिहान इधर रिहान इधर जल्दी मेरा बुला रही तू रिहान जल्दी आ और रिहान आ रहा है। अच्छा अभी हम हलवा पूड़ी ले आए, हलवा पूड़ी खाने के बाद ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी हमें दूसरे ब्लॉग का स्टार्ट लेना है क्योंकि हमने जाना है इंग्लैंड वाला, हमारा ब्लॉग आने वाला है। अच्छा नाचो बहुत जब उधर खत्म होगा यार, तंग करिए, मिलते हैं आपसे।